ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ कि देश तो आजाद हो चुका है मगर असी अज भी गुलामी भरी जिंदगी जीवन मजबूर हाँ। उन्होंने कहा कि साडे पिंड विच विकास नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आती। उन्होंने वालों कहा गया सरकार कहिंदियां ने कि पिंड विच साफ स्वच्छ पानी पीण नूं दिता जा रहा है मगर साडे पिंड विच अज भी लोग खूह का गंदा पानी पीण नूं मजबूर ने। बिजली की समस्या लगातार पिछले कई सालों तो है, पानी पीण नाल अक्सर पिंड विच लोग बीमार रहिंदे ने। पिंड विच जां नजदीक कोई सहित सुविधा भी नहीं दिती गई है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि सरकारां वालों दित्तियां जाण वालियां सहूलतां तों पिंड वाले लोग कोसा दूर ने। सरकारां विकास के दावे तो जरूर करदियां ने पर पिंड विच किसी तरह की कोई भी सहूलत नहीं दिती जा रही। असीं इहो जिही जिंदगी जीउण नूं मजबूर हाँ। लोगों ने सरकार अते पठानकोट प्रशासन नूं अपील कीती है कि उन्हां नूं मूलभूत सुविधावां दित्तियां जाण तां जो मुश्किलां उन्हां नूं रोजाना आंदियां ने उन्हां दा हल किया जाए। पिंड च पानी की बड़ी मुश्किल, लाइट की बड़ी मुश्किल, साधन की बड़ी मुश्किल, कोई डाक्टरी सहूलत नहीं, सारिया मुश्किल साढ़े वास्ते है ही कुछ नहीं। गंदा पानी पीने अं बच्चे साढ़े बीमार रहते हैं, बुआल बुआल के पानी पीने आपे ही बीमार रहने अं, पानी भरोंदा नहीं एड्डी दूरों 3-4 किलोमीटर आना पैंदा पानी लैन, वह भी साफ सुथरा नहीं, बिच कोई जानवर मरे दे कोई कुछ कोई कुछ, जिले बरसात होंगी है सारा बहर गंद रुड़ के बिच पैंदा सारा ही, वह पानी पीने गंद कोई सुनाई नहीं करता। साड़ी शिकायत नहीं कभी की, बड़ी शिकायत की, कोई सुनता ही नहीं, कोई भी हौसला दे जाते बस ठीक हो जाना है काम, बत्ती भी लाइट बढ़ जानी है, पानी हो जाना, तो 35-40 साल हो गया यो गंद पीने। की अपील करोगे? अं सरकार अगर यो अपील करने भी सारी जल्द तो जल्द सुनवाई की जाए, सारा पानी साफ किया जाए, तो लाइट बधाई जाए, तो साधन जरूरी साढ़े वास्ते साढ़े बच्चों वास्ते, तो डाक्टरी सहूलत जरूरी होनी चाहिए। भगवंत मान अगर अं अपील करने जल्दी तो जल्दी साढ़े मसले हल किए जा। निशा देवी, निशा जी की मुश्किल आ रही है पिंड? साढ़े पिंड मुश्किल ज़्यादा पानी की समस्या, पानी बहुत ज़्यादा कमी है, पानी गंदा है, पीने के काबिल नहीं है, कई कुछ पै जाता है जब सू मजबूरी कारण पी जाए, यह पानी पीने साढ़े बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर कई दूर 30-35 किलोमीटर सूँ जाने पैंता है, डॉक्टरी सहूलत भी नहीं है, इतने लाइट की कमी है, आने जाने के साधन बच्चों की पढ़ाई वास्ते बड़ा मुश्किल हो रही है। ये जी साड़िया बहुत ज़्यादा जी कमियां आ, सरकार अगर यो बेनती की जाती है कि साड़ी जी कमियां दूर की जा कि साढ़े इतों पिंड के लोग भी थोड़ा सुख महसूस कर। सर मुखविंदर सिंह नाम है, की कहना है, की मुश्किल आ रही है? सर साढ़े इधर लाइट की बहुत मुश्किल है, तो पानी की भी मुश्किल है। सर अं कई बार तो MLA को भी गए, पहले बब्बू को गए, फिर मंटू को गए, तो हूँ कहें नरेशपुरी को चलो, तो वो को भी गए है, तो इतने कोई हल नहीं हो रहा जी। तो सर इस कारण अं गंदा पानी पीने, तो लाइट की सिंगल फेस लाइट है, लाइट के कारण तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सर कितना समय हो गया तुम्हें पानी पीते? सर सूँ तो 35-40 साल उम्र हो गई है, तो यही पानी पीने सर। अं बोर नहीं लगा पिंड? सर बोर लगे है, वो चलता नहीं लाइट के सिंगल फेस होने के कारण, नहीं कोई इधर साधन आन जान का, बस जिन्हों का अपना घर का साधन है बस उन्होंने को है, नहीं तो कोई इदा गवर्नमेंट साधन कोई नहीं है। अपील की करोगे? सर अं तो यही कहने कि जो कुछ है साढ़िया मुश्किल हल किया जाए।